आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह चाहते हैं कि उन पर सिनेमा टिकट ब्लैक के लगाए जाने वाले आरोपों की जांच कर ली जाए। राज्यसभा सांसद ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि भाजपा की नफरत फैलाने वाली फौज उन्हें गाली देने के लिए इस तरह की बात कहती है। संजय सिंह ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को भी ट्रोल किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के पास ये सब करने के लिए लंबी फौज है। एक इंटरव्यू में संजय सिंह से पूछा गया कि अक्सर उन्हें टिकट ब्लैक या कहकर क्यों ट्रोल किया जाता है। सवाल के साथ पीएम मोदी की उस बात का भी जिक्र किया गया जब उन्होंने कहा था कि थिएटर में ब्लैक मार्केट वाला सुनने को नहीं मिलता, इसलिए नहीं कि वो संसद में चला गया है। इस पर संजय सिंह ने कहा कि ये प्रधानमंत्री कद गरिमा को छोटा कर देता है और ये बहुत ही निंदनीय बात है। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि भाजपा वालों को एक लंबी लाइन पता है, उनके पास एक लंबी फौज है। कभी उन्हें अखिलेश यादव को टॉटी चोर कहना होता है, कभी संजय सिंह को टिकट ब्लैक किया, कभी केजरीवाल को घुंघरू सेठ कहना पड़ता है, तो कभी राहुल गांधी को पप्पू, तो वहीं आर्मी को नफरत फैलाने वाली बुलाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और एकदम उल्टा सुनाई पड़ता है। पत्रकार ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि कहते हैं सुल्तानपुर में कोई शुभम टॉकीज था जहां संजय सिंह टिकट ब्लैक करते थे। सांसद ने आगे कहा कि इसकी जांच कराओ, मैं तो एक चैनल पर कहकर आया हूं कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं उनसे उलझूं और मैं कहता हूं कि गाली दो जिसने आपके असली चरित्र पता किया हो, इसकी जांच जरूर कराई जानी चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं उनसे उलझ जाऊं। अब देखने की बात तो यह है कि संजय सिंह को अक्सर सोशल मीडिया पर उनके विरोधी टिकट ब्लैक करने वाला कहकर ट्रोल करते हैं और इसीलिए उन्हें टिकट ब्लैकिया नाम से भी कई लोग जानते हैं। वहीं और भी सारे नेता हैं जिन्हें अलग अलग नामों से ट्रोल किया जाता है। अब आगे संजय सिंह की मांग है कि इस पर एक बड़ी जांच की जाए और पता किया जाए कि उन पर किसने शुरू किया ये ट्रोलिंग का मामला। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।